और ये हेडर अप डाउन। गाइस, चार ड्रम 880 लीटर। हेलो एंड वेलकम गाइस, एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और एज यूजुअल, रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। और गाइस, आज ना हमने वीट कट रही है अपनी, सॉरी धान कट रहे हैं अपने, मतलब राइस कट रही है अपनी और धान कट रहे हैं। अब धान कटाई दिखाएंगे आपको, हार्वेस्टिंग ऑफ धान, राइस कुछ भी कह सकते हो आप। और लेट बी बिगिन, स्टार्ट करते हैं सीधा मशीन के पास चलकर। पहला टैंक डल रहा है और देख सकते हैं आप मशीन चल रही होगी, मौज आ रही है। धान कटेगा, करने का पैसा नहीं आएगा, इसका तो आएगा नॉन सेंस पैसा। ये सूरों का खराब कर रखा है, सूरों का तो बीच बीच में पैच है और सूरों का खराब कर रखा है। गाइस, यहाँ से स्टार्ट किया, गेट आ गया यहाँ पे और ये नाली आ गई। एक मिनट, थोड़ी एवरेज थोड़ी सी कम आएगी यार, सूरों ने और अपने जंगली जानवरों ने बहुत खा रखा ना, इस कारण एवरेज थोड़ी कम आएगी और थोड़ी आवाज़ भी आ रही होगी, के लिए माफी चाह रहे हैं जी आपसे। वो सामने मंदिर आ देख सकते हैं आप। रोटी खाने जा रहा है, अब वो आएगा चलाने। अरे कल्लू, ये करके आ गए, मतलब कि अब बाद में मिलेंगे, जब गुरुद्वारा के पास में चलेंगे तब मिलेंगे आपको। और भाई मेरा ले आया खाने के लिए, ये ड्राइवर साहब बैठे। एक तो आज मल्ली सिंह कंपाइन चला रहे थे तो हमने सोचा पेट में भूख होगी, पेट कम दिखाई है मैंने यार, थोड़ा कंपाइन चलाते हुए यार। कोई बात नहीं, थोड़ा के लिए दिखाई, लेकिन ये खाना मल्ली जी के लिए स्पेशली बहुत दूर से आया है। थैंक यू भाई। और आपकी ना गॉगल्स बढ़िया लग रही है, ये बर्बेरी की है, ये 7000 की है। मुंह देखे ना अपना, चलो बढ़िया लग रहा है, फिर भी ये हमारी नहीं है ना, तभी इतनी महंगी है। शर्ट बढ़िया लग रही है। बस इनका तो नहीं, खाली अभी तरह आधी भर गई, आधा थोड़ा सा खेत बचा। इस कल धान कटे थे, इतने धान हो गए थे, ये ट्राली इतनी हो गई थी और वो ट्राली है नीचे, है दाने थोड़े इसमें इतनी हो गई थी, आज थोड़े बचे वो कट के छुट्टी धानों वाली तो ठीक है। और वो आज सब लोग चले गए, आज मैं नहीं गया यार, आज ना मंदिर जाना था अपने लोगों ने, मंदिर थोड़ा वो है श्राद्ध जिसे कह देते वो खिलाने पंडित, वो उसके कारण मैं गया नहीं खेत। और वहाँ पे चल के मिलते हैं अब मंदिर, ठीक है। और जब धान कटेंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। अब पहले चलते हैं मंदिर सीधा, क्योंकि वहाँ पे श्राद्ध खिलाए जाएंगे, वहाँ पे करते हैं सेवा चल कर पहले, चलो मिलते हैं बाद में। कंपनी तो यहीं पे खड़ी थी और अब ऊपर चढ़ के आपको दिखा देते हैं, थोड़े उस टाइम आवाज़ आ रही होगी आपको, तो आप ये चढ़ के बता देते हैं क्या 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 है, ठीक है। तो पहले स्टेयरिंग है ये अपना, ठीक है, तो अब नॉर्मल ही है। और यहाँ पे एक हॉर्न होगा, ये हॉर्न है और इधर क्लच ब्रेक, ठीक है। और ये शिफ्टर होगा, ये रेस,
मतलब कि आरपीएम सेट करने वाला ये है, और ये है हेडर अप डाउन, हेडर को अप डाउन नहीं नहीं हेडर को अप डाउन ये है, ये वाला जो उसका जो आगे वाला रील है, ये वाली रील इसको उठाने के लिए वहाँ पर जैक लगी होती वो उठा था पर अब, और ये हेडर अप डाउन मिट्टी ने उठा ले कुछ भी अप डाउन, और ये है हाई लो, कभी जैसे कि कुछ खाली आ गया आगे से मतलब चल रही कंपाइन और खाली थोड़ा आगे तो ये आगे करेंगे तो हाई में जाएगी और तेज जाएगी, लो में कर देंगे लो आएगी। ये हॉर्न है, ये डिक्का, और यहाँ पे काफ़ी कुछ है, कनक में 1500 चक्कर और धान में 1600 चक्कर, ओ कनक में 1600 चक्कर, धान में 1500 चक्कर, और कनक में भी 1 और 2 में चलती है, अगर ज़्यादा लांगा तो 1 में चलेगी पहला गियर में है, नहीं तो 2 में चलेगी दूसरे गियर में, अगर कम लांगा तो दूसरे में, ज़्यादा लांगा तो पहले में, पहला बैक, दूसरा तीसरा और चौथा, ठीक है ये सब कुछ है। और इधर तो वो आ गया हेडर, ये आ गया उसके लिए दाने फेंकने के लिए, ये आ गया वो घुमाने के लिए है, एक आ गया ये साफ़ करने के लिए, ये साफ़ करने के लिए होता, और ये क्या है ये भी पूछ के बता देता हूँ आपको मैं किसके लिए है, ठीक है स्पाइडर बना रखा लगा रखा स्पाइडर, ये टैंक है। धान 11-12 क्विंटल आते इसमें, 20 क्विंटल लाई, और कणक 18 क्विंटल कणक आती है, ठीक है बाकी ऐसा कुछ कैबिन होता देख सकते हैं, ये बैक कैमरा देखने के लिए हेडर चलते नीचे, तू काम देख लो, एक खाली एक डब्बा दे रखा है छोटा सा, इतनी बड़ी कंपनी दे रखी है ग्लीस दिया नहीं है पता नहीं उसको बताऊंगा अभी, वो भी अपना भाई है भर गई है ये भर गई है, पर डब्बा देख ली कितना बड़ा दे रखा है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। भाई का कहना है मतलब ये नेट लगा, इसको अगर टैड करोगे तो ये ऊंचा आ जाएगा, ढीला करोगे नीचे आ जाएगा, अगर लांगा अगर मतलब दान निकाल रहा तो ढीला का तो ऊंचा हो जाएगा, जब तब उसके बाद जब दाने वो थोड़े अंदर रहने लग जाएंगे पटे के ऊपर, ये पटे के ऊपर देखिए अंदर भी दाने पड़े होंगे आपको दिख रहे होंगे, इसके अंदर वो लेट के इसमें आया था, इसमें आने के बाद फिर से ऊपर उठा के टंकी में डाल देता दाने, ऐसे भी होता कुछ तो, जो कहते नहीं कि दाने फेंक रही मशीन वो इसी के चक्कर में होती है, वो इसी ये नट के चक्कर में होती है, अगर नट ये इसको और उठा दोगे। हेलो मंदिर जाके फिर आके फिर दिखाएंगे आपको धान करते हुए, वो रहेगा गुरुद्वारे के पास और ये रहेगा सामने, वो गिल्ला उधर नीचे हो रहा है फिर दिलू बात ठीक है, और सापड़ फसाई गई मेरी, सापड़ फसाती जाके बस मैं चलाऊंगी बात ठीक है। और दास गाइस सामने वाला काट के आ गई मशीन, दाने डाल रही है उसमें, अब गुरुद्वारे पास वाला करते हैं, को ट्रैक्टर मिला जिसका रैम घूमता है हिंदी की कहने ने, जो इंजन नहीं जो पुराने इंजन होते हैं उसका वो है तो है की होता है व्हील व्हील होते हैं ना वो जो उसके ने दो चक्के लगे थे, पीटर इंजन आ गए छोटे वाले लेस्टर इंजन, हाँ लेस्टर इंजन होते थे पहले, उसका वो जो व्हील होते थे वो लगा हुआ एक इधर एक उधर, दस बता वेट भी लगता था स्वराज के लगा हुआ, और वेट का काम भी करता है और सुंदर भी लगता है। मन कर रहे हैं 2000 years later. Welcome back guys. आगे ट्रैक्टर के ऊपर वापस धान कट गए थे, इसके बाद आगे ट्रैक्टर के ऊपर वापस, और देख सकते क्या मार रहे हैं, हल मार रहे हैं, और चारों ट्रैक्टर चल रहे हैं अपने देख सकते हैं, तो ये रहे तीसरा यहाँ पे और एक वो वहाँ पे चल रहा, तो हो रहा वो स्वागत मार रहा, दो हैरो मार रहे हैं और एक पलाव मार रहा, ठीक है कितना रह गया, लोहिया लोहिया मार रहा, लोहिया क्या लगता है पलाव क्या कुछ पड़ गया था यार, पलाव पर बड़े वाला होता वो दिखने वाला होता जो घूमने वाला होता ये इसको लोहिया भी कहते हैं, ठीक है और मार कर फिर गिरेगा। रीफ्यूलिंग का टाइम, हाँ तो ट्राली यहीं पे खड़ी के 3 ड्रम है
चार ड्रम भरा लाए से कनेडर भरा के लगे हैं ओ सेवा कितने लीटर है डीजल 20 का माइनस 100 सही बात 880 880 लीटर है 880 लीटर आ गया गाइस इस बार चार ड्रम 1 2 3 गाइस चार ड्रम 880 लीटर फिर से बता रहा हूँ 880 लीटर आया इस बार आपने पहले 600 लीटर आया था अभी स्लिप भी दिखा दूंगा आपको 880 लीटर आया अपने पास और अब दिखाता हूँ बाहर दो भरी खड़ी है ट्राली ऑफ धान राइस देख सकते हैं पूरी फुल भरी है आपको मजा देखो ऊपर दिख रही ना वो भी उसमें दिख रही है दोनों ये फुल भरी है धान की और ये सब कट गया धान अपना ओके हो गया क्योंकि आज इस बार ज़्यादा नहीं लगा रखा था और स्वराज आ गया स्टैंडर्ड आ गया एक ट्राली ये भर रखी है ये भी फुल है फुल कैसे दिखाऊँगा आपको मैं कि ये देखिए बोरी पूरी फिक्स है यहाँ पे देखिए ठीक है और ये मेरे घर आज जाएंगी तो होपफुली आपको ये वाला ब्लॉग बढ़िया लगा हो लाइक शेयर कमेंट कर देना और मिलते हैं एक ऐसे नए ब्लॉग के अंदर लाइक शेयर कमेंट प्लीज कर देना भाई यार जरूरी है ठीक है बाय गुड नाइट हैव अ नाइस डे कल मिलते हैं।